हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गौतम गुरु जी पर। महोदय, कृषि विकास के लिए भूमि सुधार पहली शर्त है, इसलिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार से शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार कार्यान्वित करने के लिए विगत दो दशकों में अनेक उपाय किए हैं। वामपंथी सरकार ने उस नीति को अपनाकर दो दशकों में कृषि क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में 40 लाख टन की वृद्धि हुई है। अत्यधिक सीमाओं में कार्य करने के बावजूद भी वामपंथी सरकार ने पश्चिम बंगाल में किसानों और कृषि मजदूरों के सहयोग से दो दशकों में भूमि संरचना और कृषि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में 75% कृषि भूमि पर छोटे और सीमांत किसानों का कब्जा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों को केवल 29% कृषि भूमि पर अधिकार है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई कृषि नीति और अखिल भारतीय कृषि नीति में मौलिक अंतर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए छोटे किसानों का उनकी भूमि से संबद्ध स्थापित करने के लिए भूमि सुधार अर्थात भूमिहीनों में भूमि का वितरण करना पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को महत्व प्रदान किया जाए। अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति को भी अधिक महत्व दिया जाए। जमीन और जल किसानों के लिए अत्यंत जरूरी है। यदि हम उन्हें यह दे सकते हैं तब किसान संपूर्ण देश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक साधन नहीं है। इसके साथ ही साथ कृषि उपज के लिए उचित कीमतें निर्धारित करने की ओर तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों की ओर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने सरकार के प्रयासों के बारे में कहा है क्योंकि जब कृषि उपज की कीमतें निर्धारित हो जाती हैं तब हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के साथ इसकी कहीं कोई समानता अथवा संबंध नहीं है।
जो व्यक्ति उपज की कीमतें निर्धारित करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों द्वारा व्यय की गई लागत निकालने के पश्चात किसानों को लाभदायक कीमतें मिलनी चाहिए। विराम।